नाकेबंदी की गई। राजस्थान हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर से भी नाकेबंदी की गई है। गैंगस्टर की एक्टिविटी से नजर रखी जा रही है और उसके मद्देनजर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन सील है और इस ना तो यह अंदाजा लगता है कि सारे बॉर्डर जिहड़े ने लगभग जिथे लगता है कि कितने ना कितने इनकी एक्टिविटी हो सकती है तो उन्होंने सील किया गया है। और चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से भी दस दईए कि इस किस्म का यह ऑपरेशन चल रहा है और एक्टिविटी जी गैंगस्टर की, क्योंकि जिस तरीके कतल होया है, बड़ा कतल होया है और उस तो बाद इसके कनैक्शन सीधे पंजाब की जेल के नाल भी जोड़ रहे हैं और नाल दूसरा पासे जिस तरीके दे गुरगे एक्टिव ने आके शरेआम गोलियां चला देंगे ने, फिरौतियां मंगिया जा रही ने, रंगदारी मंगी जा रही है अपने गैंग नू वड्डा बनाने के लिए, नाल ही जिहड़ियां रंगदारियां दे पैसे होर कम्मां दे विच वरते जाते हैं। तो सारा कुछ चल रहा है, हालांकि बहुत हद तक कोशिश भी कर रही है पुलिस इस नू नत्थ पाउण दे लई, पर इसे किस्म का यह ऑपरेशन है और इसे दे चलते नाके जिहड़े ने लगाए गए ने राजस्थान हरियाणा हिमाचल ते दे बॉर्डर से भी नाकेबंदी जिहड़ी है की गई है। इंटर स्टेट बॉर्डर से भी नाकेबंदी की गई है। ऑपरेशन सील जिहड़ा है पंजाब दे विच भी चलाया जा रहा है। तो सरहदी इलाकों दे विच ऑपरेशन खास तौर पर चल रहा है और क्योंकि उत्थों जेकर जिक्र किया जाए तो बिल्कुल एक सूबे तो दूजे सूबे दे विच जाने के लिए वख वख पैंतड़े अपनाए जाते हैं और यह भी जिक्र योग है कि पिंडां वाले रस्ते कच्चे रस्ते ज़्यादातर गुरगे अपनाते हैं मर्डर करके या कोई भी वारदात करके उत्थों भज्जन की कोशिश की जाती है। तो हर एक तरह के वखो वख हथकंडे अपनाए जाते हैं, पर कह सकते हैं कि पुलिस के वलों पूरी मुस्तैदी के नाल कार्रवाई जी की जा रही। गलबात कर लेना शुक्ला सर, ऑपरेशन सील फाई इसका मतलब की इसके मायने की इसकी लोड़ क्यों पै रही है? पंजाब पुलिस का एक जोड़ा डिटरमिनेशन है कि ड्रग पेडलर्स, ड्रग स्मगलर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, गैंगस्टर्स के खिलाफ जी सा एक मुहिम जारी है, उसके तहत अज असी एक सरप्राइज ऑपरेशन सील फाइव प्लान किया है, जिसके तहत जोड़े साढ़े नाल लगते पांच सूबे है राजस्थान हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश और जे एंड के, इन्हां पुलिस दे इन्हां राज्यां दी पुलिस दे नाल मिल के असी 131 वक्त थावां ते अज ये नाकेबंदी की है ताकि जड़े भी कोई एंटी सोशल एलीमेंट्स और ड्रग स्मगलर्स ये रस्तियां दा इस्तेमाल करते हैं उन्हां दे विरुद्ध कार्रवाई। ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ 131 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, 131 ਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ 5 कई इनपुट भी पंजाब पुलिस को है जिस करके स्पेशल नाके लाए गए ने, पूरा जिहड़ा इंटरस्टेट नाके लाए गए। असी इस वेले मौजूद है मोहाली चंडीगढ़, यानी कि पंजाब तो चंडीगढ़ इंटर होंदे है उसी बॉर्डर ते असी मौजूद हाँ, ते लगातार जिन्नी भी बाहर दी गड्डी है उन्हां नू रोक के उन्हां दे डॉक्यूमेंटेशन उन्हां दी गड्डी दी चेकिंग पूरी कीती जा रही है। ते तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, जिन्नी भी बाहर तो गड्डी आ रही है, बाहर दे नंबर दी गड्डियां या फिर शक्की गड्डियां है, उन्हां नू रोक के चेकिंग कीते जा रही है, क्योंकि जिहड़ी जानकारी सानू हैगी है कि कई इनपुट सीगे और कल जिहड़ा राजस्थान च मर्डर होया सुखदेव सिंह दा, उहदे विच किस तरह कोई गैंग वार ना होवे या किसी तरह दा कोई लॉ एंड ऑर्डर ना खराब होवे, इह सारी चीजां नू वेखदे होए काफी पुलिस जिहड़ी है उह मुस्तैद है, इस नू लैके ऑपरेशन सील कीता जा रहा है। इहदे नाल नाल बसी जिहड़ी है, जिहड़ी ट्रांसपोर्ट है, जिहड़ी पंजाब तो निकल रही है या फिर चंडीगढ़ तो जिहड़ी पंजाब निकल रही है, उन्होंने भी खास तौर पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कई बार पुलिस को इनपुट होता है और इहदे विच बहुत अहम हो जाता है गुरजोत कि किस तरह के कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं खराब हो रहा है, किस तरह का कोई शरारती अंसर या किसी तरह की कोई गैंग वार ना हो, या फिर जिहड़े भी आपस च जिहड़ा इन्हां दी रिवाइलरी चल रही है, इन्हां दी आपसी रंजिश चल रही है गैंगस्टरां दी, चाहे वह लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप होवे या दूजा ग्रुप होवे, उन्हां दी किसी तरह की कोई गैंग वार तो नहीं होने वाली या किसी तरह का कोई शंका तो नहीं है, इस नूं लैके सारी चीजां नूं लैके बसिस ने जिहड़ी चंडीगढ़ तो पंजाब जा रही है इन्हां दी भी चैकिंग की जा रही है, अंदर जिहड़े भी पैसेंजर बैठे हैं उन्हां दा समान भी चैक किया जा रहा है, हर एक ट्रांसपोर्ट गड्डी नूं, चाहे वह सिटी दी होवे, चाहे वह पंजाब रोडवेज की होवे, चाहे वह हिमाचल रोडवेज की होवे, सारी और नाल दे नाल जिहड़ी शक्की गड्डियां है उन्हां नूं भी रोक के बाहर दे नंबर दी खास तौर ते उन्हां नूं भी रोक के सारी चेकिंग की जा रही है और पूरा एरिया सील करके, यानी कि पूरा बॉर्डर एरिया सील करने तो बाद ये पूरा चेकिंग दा दौर किया जा रहा है। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, ते सीनियर अफसर भी साडे नाल मौजूद है, उन्हां नाल भी असीं गलबात कर लांगे, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर, खास तौर ते लॉ एंड ऑर्डर काफी अहम हो जाता है इस करके, और
ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਕਈ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। 131 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।